Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए प्रेगनेंसी में अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत सी महिलाओं में बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है और बैक पेन तो गाइज वैसे भी महिलाओं में बहुत कॉमन सी बात है. अगर आप कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा चल लेते हैं, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा लेते हैं तो उसमें महिलाओं का बैक पेन हो जाता है या कोई कमजोरी आपको हो रही है तभी आपका बैक पेन हो जाता है. तो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं जो आपका बैक पेन हो रहा है ये प्रेगनेंसी का बैक पेन है या कॉमनली ऐसे ही आपको बैक पेन हो रहा है. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं में बैक पेन क्यों होता है, एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड डेट से पहले ही पता कर सकते हैं. देखिए गाइज, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन तो हो रहा ही होता है. लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, इसके साथ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, साथ में एक नया हार्मोन और प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं और इसके साथ साथ एक नया ऑर्गन भी डेवलप होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं. प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को हर चीज़ की सप्लाई होती है, ब्लड की, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की. तो ये सब महिलाओं की बॉडी में चल रहा होता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं. तो गाइस देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से और रिलैक्सिन हार्मोन जो एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो इसी की वजह से जनरली महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम बैक पेन देखा जाता है और ये अर्ली फेज से ही स्टार्ट हो जाता है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं में देखा जाता है जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है. तो बैक पेन होता क्यों है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ. देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो ओवुलेशन के एक हफ्ते के बाद से आपको ये लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई दे सकता है क्योंकि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो ओवुलेशन के एक हफ्ते से लेकर 12 दिन के बीच में कंसीव हो जाती है. तो महिलाओं में बैक पेन इसीलिए देखा जाता है क्योंकि महिलाओं की बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो महिलाओं की यूट्रस की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, साथ में जो लिगामेंट्स हैं पैल्विक एरिया की वो सॉफ्ट हो जाती है, वो लूज हो जाती है. क्योंकि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी डिलीवरी के लिए पहले दिन से तैयार हो रही होती है जिसकी वजह से ये प्रोसेस आपका पहले से ही स्टार्ट होना शुरू होता है. तो इसी कारण की वजह से महिलाओं में बैक पेन की परेशानी देखी जाती है अर्ली फेज से ही. और इसके साथ साथ जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो यूट्रस भी एक्सपेंड होता है. यूट्रस एक्सपेंड होता है क्योंकि बच्चा भी ग्रो होता है तो बच्चे को भी जगह चाहिए रहती है. तो बच्चा भी एक्सपेंड होता है, यूट्रस भी एक्सपेंड होता है जिससे महिलाओं का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है. जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है तो महिलाओं का स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है फिजिकल, जिसकी वजह से महिलाओं में बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है. और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो महिलाओं का वेट भी गेन होता है बच्चे के साथ साथ. जब आपका वेट गेन होता है तब भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है. और इसके साथ साथ महिलाओं की मसल्स भी सेपरेट हो रही होती हैं जिसकी वजह से सारा जो भार है महिलाओं के स्पाइन में चला जाता है और स्पाइन में सारा भार लोडिंग हो जाएगी तो उसका असर आपको दिखाई देगा एज अ बैक पेन, यानी बैक पेन की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है. जैसे जैसे बच्चा ग्रो हो रहा होता है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो वेट भी बढ़ता है. वेट बढ़ने की वजह से जो यूट्रस का सारा प्रेशर है वो आपकी ब्लड वेसल्स पे चला जाता है, मसल्स पे चले जाते हैं, मेनली जो बैक की मसल्स होती हैं, पैल्विक एरिया की मसल्स होती हैं जिसकी वजह से महिलाओं को बैक पेन होने लगता है. और जो ये बैक पेन है गाइज, ये बैक पेन आपको डल भी हो सकता है जो लगातार आपको लगा रहेगा और साथ साथ शार्प भी हो सकता है, तीखा पेन भी हो सकता है जिसमें आपको ऐसा बर्निंग सी सेंसेशन भी फील हो सकती है. और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो रहा होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो रहा होता है क्योंकि मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी देखी जाती है. तो महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है. आपने देखा होगा जब नॉर्मली आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आपको कमर में दर्द फील होने लग जाते हैं, तो यहाँ पे इंटरनली बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है जिसकी वजह से महिलाओं में बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है.
और जो ये बैक पेन गाइज आपको होता है मेनली लोअर एरिया पे होता है, जो लोअर का बैक है या लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है या राइट हैंड साइड पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको लोअर बैक में होता है, ये आपको मिड में भी हो सकता है, जो आपकी बैक है उसके बीच में भी हो सकता है, जो बीच का पोर्शन होता है उस जगह भी हो सकता है, मगर ज़्यादातर महिलाओं में लोअर बैक में ही देखा जाता है और एक ही साइड पर होगा, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही होगा या तो आपको राइट हैंड साइड पर ही होगा। और इसके साथ अगर एग्जैक्टली आप जगह जानना चाहते हैं तो जहाँ पर जो पैल्विक एरिया, पैल्विक और हिप बोन मिलती हैं, तो वहां पे ये दर्द होता है। और ये दर्द आपका सिर्फ लोअर बैक पे नहीं रहता है, आपके आप पैल्विक एरिया में भी फील होने लगता है, यानी जो पैल्विक एरिया का सारा पोर्शन है वहां पे फील हो सकता है, जहां आपकी थाई है थाई के बैक में फील होने लग जाता है, लेग्स में फील होने लग जाता है, और कुछ कुछ महिलाओं में ये फुट में भी होने लग जाता है। अगर इस तरीके का पेन आपको हो रहा है और जहां मैंने बताया वहीं पे हो रहा है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है। अगर इस तरीके का पेन आपको आपकी पीरियड डेट से कुछ टाइम पहले दिखना शुरू हो रहा है और दिख ही रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये पेन नहीं दिख रहा है, रोज दिखता है, ऐसा नहीं है कि लगातार हो रहा है, कुछ टाइम के लिए आपको दिखता है, कुछ फिर चला जाता है, इस तरीके का ये पेन आपको दिखाई दे सकता है एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी दिखाई देता है। कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपनी डाइट में हेल्दी डाइट लेनी है, फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, डाइट अच्छी लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कम होती है, वॉक कीजिए, वॉक करने से आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहता है, इसके साथ जो आप क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठते हैं उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, ज़्यादा टाइम के लिए बैठना अवॉइड कीजिए, ज़्यादा टाइम के लिए खड़े होना अवॉइड कीजिए, इससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपका बैठने का जॉब है तो पीछे आपको अपना पिलो रखना चाहिए, जब आप सोते हैं तो आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में पिलो डाल के सोना चाहिए, इससे जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम होती है। और इसके साथ साथ जो आपको इमोशनल चेंजेस आपको हो रहे हैं, मूड स्विंग्स जैसे, उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सहेल इनहेल थेरेपी का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको बहुत राहत मिलती है, नर्वस सिस्टम काम होता है, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो डेफिनेटली आपको अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। और इसके अलावा जो हॉट वाटर बैग्स आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है ऐसा गर्म गर्म पानी अपने कमर पे लगा देना, उसमें आप वार्म वाटर डाल के हल्का हल्का सा ऐसा सेक सकते हैं, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दर्द हो रहा है बैक में बॉडी में तो आप दवाई ले लें, ऐसा आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, वो भी अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के, जब आप प्रेगनेंसी का कंसीव करने का ट्राई करें तो हर चीज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके करनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो हमेशा सावधानियां बरतनी है, प्रेगनेंसी केयर करनी है, जिससे 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को आप आसानी से सस्टेन कर सकते हैं और 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सकते हैं। तो गाइज यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।